समाजवादी पार्टी के लखनऊ महानगर अध्यक्ष सुशील दीक्षित ने झंडा लगाओ सरकार बनाओ अभियान का किया आह्वान। वॉयस ऑफ अवध न्यूज लखनऊ संवाददाता रजत भारती। महानगर के अध्यक्ष श्री सुशील दीक्षित जी का एक पहल शुरू की जा रही है जहां पर झंडा लगाओ सरकार बनाओ। आइए इस पे जानकारी करते हैं सुशील दीक्षित जी से किस तरीके से ये झंडा लगाओ और सरकार बनाओ के अभियान कैसे चलेगा। लखनऊ महानगर समाजवादी पार्टी ने पूरे लखनऊ के 110 वार्डों में झंडा लगाओ सरकार बनाओ अभियान चलाने का काम शुरू करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग वार्डों में जाएंगे और 175 विधानसभाएं हमारी लखनऊ में हैं। सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, ये पांचों विधानसभाओं का अलग अलग समय तय कर दिया गया है। सोमवार को 171 विधानसभा, मंगल को 172, बुध को 173, बृहस्पति को 174 और शुक्रवार को 175। ये पांचों विधानसभाओं में हम लोग वार्ड वार कार्यक्रम लगाएंगे और वार्ड की कमेटी और बूथ एजेंटों के घर पर हम लोग जाकर के झंडा लगाने का काम करेंगे। जिनके घर में झंडा लगा हुआ पहले से या किसी कारणवश किसी के यहाँ झंडा नहीं लगा है, हम लोग झंडा लगाने का काम करेंगे और उस वार्ड में भ्रमण करेंगे। भ्रमण करने के साथ हम अपनी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी की नीतियों को, माननीय समाजवादी पार्टी की नीतियों को, सिद्धांतों को, डॉक्टर लोहिया के सिद्धांतों को, माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी की सिद्धांतों को जनता के बीच में पहुंचाने का काम करेंगे। और विगत 4.5 वर्षों से जिस तरीके से ये भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्ट और जालिम सरकार प्रदेश में काम कर रही है, उन्होंने क्या क्या गलतियां की, क्या कमियां उनकी, कोई विकास का काम नहीं हुआ, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, महंगाई बढ़ती जा रही है, दिन प्रतिदिन पेट्रोल डीजल खाने का सरसों का तेल से लेकर के तमाम चीजें इतनी महंगी हो गई हैं कि हमारे समाजवादी साथी, लखनऊ शहर की जनता, दो वक्त तमाम ऐसे हमारे बीच में लोग हैं जिनको दो वक्त की रोटी मिलने में दिक्कत हो रही है। इन सारे मुद्दों को लेकर के हम पूरे लखनऊ का भ्रमण करेंगे, जन जागरण करने का काम करेंगे और जनता को ये बताने का काम करेंगे कि आपने 4.5 वर्ष इनको देखा है, अब आप राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के 5 वर्षों का कार्यकाल देखिए, जो पीछे समय बीता उस कार्यकाल का आंकलन करिए, इनके कार्यकाल का आंकलन करिए और दोबारा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव